हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट तो रिलीज हो ही गई है, साथ ही साथ आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 मई 2023, 22 मई 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले पहले तो एडवर्टीजमेंट आ गई है। सभी को पता है कि 12,000 से ज्यादा पोस्ट है, 12,800 अराउंड पोस्ट है। तो आज की वीडियो में हम फिर से देखेंगे डिटेल्स की क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, फी की डिटेल। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि कौन कौन से सर्कल में कितने वैकेंसीज हैं, जिससे आप कहाँ से कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया रहेगा कि हाँ इस स्टेट में इतनी इतनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अवेलेबल है, तो सर्कल का नाम दिया हुआ है। आपको पता होगा जैसे कि पोस्ट ऑफिस की जो एडवर्टीजमेंट रिलीज होती है उसमें जिस भी सर्कल से आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपने 10th तक पढ़ी होनी चाहिए। तो वो एक लोकल लैंग्वेज आपने पढ़ी है अगर, तो आप उस सर्कल से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे सर्कल में भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आपने हिंदी पढ़ा है, तो आप हिंदी वाले किसी भी सर्कल में जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। सपोज आपने बंगाली पढ़ा है एक सब्जेक्ट, तो आप बंगाली वाले सर्कल में जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश पढ़ा है और इंग्लिश वाले सर्कल में आप जाके, होता है ना सब्जेक्ट रहते हैं हिंदी इंग्लिश ये सब तो रहते हैं कॉमन बहुत सारे कैंडिडेट्स के, तो उर्दू पढ़ा है अगर, तो आप उस सर्कल में जाके अप्लाई कर सकते हैं जिस सर्कल में उर्दू लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो होप ये क्लियर है। तो अब बात कर लेते हैं, हम सर्कल देखेंगे उसमें कौन सी लैंग्वेज चाहिए और टोटल वैकेंसी देखेंगे। तो आंध्र प्रदेश है जिसमें कि तेलुगु लैंग्वेज चाहिए, 118 वैकेंसीज है। इसी तरीके से सबसे लास्ट कॉलम में आप वैकेंसीज देखते जाएं, मैं सर्कल का नाम बता देती हूँ। आसाम, आसाम करके तीन है, एक आसाम में आसामी या फिर असोमिया करके लैंग्वेज आनी चाहिए। दूसरे आसाम का जो सर्कल रहेगा उसमें बंगाली या बांग्ला जानने वाले कैंडिडेट, मतलब पढ़ने वाले पढ़ा हुआ जिन्होंने वो अप्लाई कर सकते हैं। और एक जो सर्कल है उसमें बोडो पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से 138, 6 एंड 7 वैकेंसीज है। बिहार से है, हिंदी अगर पढ़ाई की आपने 10th तक, 76 वैकेंसीज दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ से है, हिंदी आना चाहिए, हिंदी पढ़ा होना चाहिए, 342 वैकेंसीज है। गुजरात में गुजराती लैंग्वेज है, 110 वैकेंसीज है। हरियाणा है, हरियाणा में कम है, 8 वैकेंसीज है। हिमाचल प्रदेश में और हरियाणा में हिंदी लैंग्वेज है, 8 एंड 37 वैकेंसीज है। झारखंड में भी हिंदी लैंग्वेज है और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हिंदी और उर्दू दोनों ही चलेगा, हिंदी या फिर उर्दू दोनों में से कोई भी लैंग्वेज आपने पढ़ा है तो 89 वैकेंसीज हैं। कर्नाटका में कन्नड़ होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज हैं वो है झारखंड में सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। इससे दूसरे सर्कल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर करना चाहे। 1100 वैकेंसीज हैं और हिंदी है, हिंदी तो बहुत लोग पढ़े होते हैं। इसी तरीके से कर्नाटका से कन्नड़ लैंग्वेज है और इसमें कन्नड़ में 48 वैकेंसीज है। मध्य प्रदेश में हिंदी है और हिंदी में, मध्य प्रदेश हिंदी में 2,992 अराउंड 3,000 वैकेंसीज है। महाराष्ट्र में कोंकणी या मराठी होना चाहिए लैंग्वेज, 10 वैकेंसीज है। महाराष्ट्र में कम है, मराठी से अगर आप अप्लाई करेंगे तो मराठी से सीट ज्यादा है, 610 वैकेंसीज है। कोंकणी मतलब गोवा साइड हो गया। नॉर्थ ईस्ट में कई सारे लैंग्वेज ऑप्शंस दिए। नॉर्थ ईस्ट में बंगाली है, हिंदी इंग्लिश से अप्लाई करना चाहते हैं, मणिपुरी इंग्लिश से, नॉर्थ ईस्ट में मिजो, तो ये बहुत सारे लैंग्वेज ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये बहुत बड़ी वैकेंसीज दिखाई दे रही है, 3,000 के अराउंड ये है आपके नॉर्थ ईस्ट में हिंदी या इंग्लिश, तो अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट में भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सपोज किसी और सर्कल या स्टेट से हैं बट आपको हिंदी या इंग्लिश आपने पढ़ा हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे वैकेंसीज ज्यादा है तो चांसेस ज्यादा बनेंगे सिलेक्शन के। इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में मणिपुरी इंग्लिश 288, इसी तरीके से उड़ीसा के लिए उड़िया है जिसमें कि 948 वैकेंसीज, ठीक है। पंजाब में पंजाबी 13 वैकेंसीज है। राजस्थान में हिंदी, ये भी अच्छा है, राजस्थान सर्कल से भी अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि हिंदी सभी ने पढ़ा रहता है मोस्टली 10th तक, तो 1408 वैकेंसीज है। तमिलनाडु में तमिल, उत्तर प्रदेश में हिंदी, उत्तराखंड में हिंदी, वेस्ट बंगाल में बंगाली, वेस्ट बंगाल नेपाली एंड तेलंगाना में तेलुगु। तो टोटल सबसे नीचे आप देखेंगे 12,828 वैकेंसीज हैं जो कि फिल किए जाएंगे इस बार की एडवर्टीजमेंट से। तो चले आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और ये है अपनी
ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे तेजी से स्क्रॉल हो रहा है, यहाँ पे देखना है आपको जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट फॉर बीओज इन अनबैंक्ड विलेजेस। एक्चुअली ये नए खुले हैं, पोस्ट ऑफिस उनके लिए रिक्रूट किए जाएंगे। 22 मई से लेके 11 जून तक आप अप्लाई, 22 मई से लेके 11 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको देखना रहेगा कि कौन से सर्कल में कितना, तो जैसे आंध्र प्रदेश पे आप क्लिक कर लें एक बार, तो आंध्र प्रदेश पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है नोटिफिकेशन में क्लिक करके आप देखना चाहें तो सर्कल वाइज पोस्ट नोटिफिकेशन देख लें। डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स दी हुई हैं। डिस्क्रिप्टिव नोटिस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नई नोटिस मिलेगी, 16 पेजेस की है, 20 मई की डेट से रिलीज हुई है और इनका नाम रखा है ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट स्पेशल साइकिल। स्पेशल साइकिल नाम रखा है इसका, और इसमें क्योंकि ऑलरेडी एक जो अभी बहुत बड़े नंबर पे वैकेंसीज आ चुकी है तो इनको स्पेशल साइकिल बुलाया जा रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल एप्लीकेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट रहेगी इन ब्रांच पोस्ट ऑफिस क्रिएटेड इन द ईयर 2023। तो ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि अभी नए नए जो ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज ओपन हुए हैं 2023 में, मतलब ये 5 महीने में जो नए नए ऑफिसेज क्रिएट हुए हैं उनमें जो है सभी पोस्ट फिल किए जाएंगे। तो यह है 22 मई से 11 जून आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के समय ध्यान रखें कोई एरर नहीं हो, अगर एरर हो जाती है तो एडिटिंग के लिए करेक्शन विंडो 12 जून से 12 जून से 14 जून तक ओपन रहेगी। सैलरी का इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बिकॉज पहले जो है सैलरी ऐसे रहता था कि फिक्स 10,000, ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्लस डीएनएस अलाउंस महंगाई भत्ता भी जोड़कर दिया जाएगा। तो महंगाई भत्ता जोड़ने से 4 घंटे का काम है ऐसा वो बताते हैं, 4 घंटे से ज्यादा भी हो जाता है कभी कभी। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर 12,000 रहेगा स्टार्टिंग, प्लस इसमें आप महंगाई भत्ता ऐड करेंगे तो थोड़ी सैलरी और बढ़ेगी। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर 4 आवर्स की ड्यूटी के लिए 10,000 प्लस महंगाई भत्ता आप जोड़ेंगे तो सैलरी थोड़ी ज्यादा बनेगी। जॉब प्रोफाइल आप देख लें क्या ब्रांच पोस्ट मास्टर या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। तो यहाँ पर कुछ नहीं रहता है, आपको डोर स्टेप पे पहुंचाना रहेगा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का, डिपॉजिट है, पेमेंट, कई लोग मनी ऑर्डर वगैरह अभी भी एक्सचेंज करते रहते हैं तो वो सारी चीजें रहेंगी। एज लिमिट 18 ईयर्स है मिनिमम, 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है और एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी गई। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है 5 साल की छूट, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है 3 साल की छूट दी रहेगी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट रहती है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एज कैलकुलेट करने के लिए लास्ट डेट 11 जून 2023 को बेस लेके एज कैलकुलेट करें, ऐसा रहेगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन में 10th पास होना चाहिए, मैथ्स और इंग्लिश कंपलसरी आपने पढ़ा होना चाहिए। क्या होता है 10th तक तो हम पढ़ते ही हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो मैथ्स और इंग्लिश तो पढ़ा होता ही है सब्जेक्ट। इसके बाद आपके पास जो है लोकल लैंग्वेज, तो लोकल लैंग्वेज मैंने आपको बताया कि सपोज आपने वो लैंग्वेज नहीं पढ़ा, सपोज आप महाराष्ट्र से आपने पढ़ाई की लेकिन आपने मराठी नहीं पढ़ा, मान लें एक एग्जाम्पल, तो आपने जो भी पढ़ा हिंदी पढ़ा या इंग्लिश पढ़ा वैसे सर्कल में जाके अप्लाई कर दें जहाँ पे हिंदी इंग्लिश है। तो ऐसे है कि आप दूसरे सर्कल में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने वो लोकल लैंग्वेज 10th तक पढ़ा है तो, एटलीस्ट अप टू सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो एक लोकल लैंग्वेज कोई भी पढ़ा होना चाहिए जो मैंने आपको सर्कल के आगे नाम बता दिया। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है। साइकिलिंग के लिए भी थोड़ी आपको थोड़ी बेसिक साइकिलिंग आनी चाहिए और दूसरे तरीकों से भी आप मतलब अर्निंग आपकी हो सकती है, जैसे आप कोचिंग क्लास चला रहे हैं या आप कुछ पार्ट टाइम और जॉब कर रहे हैं तो वो चलेगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि सैलरी यहाँ कम है इसलिए ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप बाहर से भी कुछ अर्न और दूसरे तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, इसमें ना तो एग्जाम होता है ना तो इंटरव्यू होती है, आप एप्लीकेशन करते हैं, आपके पास फिलहाल जो भी क्वालिफिकेशन है, सपोज आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है लेकिन आप अप्लाई करते हैं तो 10th की मार्कशीट के मार्क्स के बेसिस पर ही एक ऑटोमेटेड जो है सिस्टम है उससे लिस्ट जनरेट होती है, मेरिट लिस्ट बनती है, ऑटोमेटेड सिस्टम, उसमें कोई हाथ टच नहीं करता उसको, वो एक सिस्टम ही है, सॉफ्टवेयर है, उसमें डालते हैं मार्क्स के बेसिस पे वो उसको शॉर्टलिस्ट कर देते हैं जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं वहां से लेके नीचे तक जितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करने हैं, और वो मेरिट लिस्ट जो है सामने आती है और उसी के बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। तो एग्जाम के भी प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है, इंटरव्यू के भी इशू इसमें नहीं है, सिंपल सिलेक्शन क्राइटेरिया, अप्लाई करें और छोड़ दें। फीस की बात करें तो फीस तो बहुत सारे कैंडिडेट के लिए नहीं है, जैसे एसटी एससी कैंडिडेट, ऑल फीमेल कैंडिडेट,
पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट एंड ट्रांसवुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई भी फी नहीं रहती है। तो बाकी जो फीस रहती है वो किसके लिए रहेगी, जो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपया 100 रुपीज एप्लीकेशन फी रहती है। एक से ज्यादा एप्लीकेशन फी भी की जा सकती है। तो यहाँ पे देखें, ऑल फीमेल कैंडिडेट्स, एससी एसटी कैंडिडेट्स, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स एंड ट्रांस वुमेन कैंडिडेट्स, इनके लिए एग्जेम्प्ट रहता है फी, इनके लिए नो फी रहता है। एंड 100 रुपीज एप्लीकेशन फी रहती है मेल कैंडिडेट जो रहेंगे जनरल कैटेगरी के, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। ये नॉन रिफंडेबल होती है, एक बार आप पेमेंट कर देते हैं तो पेमेंट वापस आपको नहीं मिलती है रिफंड। अंडरटेकिंग वगैरह कुछ है तो वो चेक कर लें। अच्छा, चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। तो ये मेन ऑफिशियल वेबसाइट है, सर्कल वाइज आप पहले डिटेल देखना चाहें आंध्र प्रदेश का, आसाम का, बिहार का, जिसका भी देखना चाहते हैं क्लिक करके डिटेल देख लें। नोटिफिकेशन जब आप, अभी इसमें ओल्ड नोटिफिकेशन है यहाँ पे मुझे लग रहा है, तो आप फ्रेश नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख लें क्लिक करके। एक एक आप दिल्ली से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, दिल्ली में आगे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा नो पोस्ट अवेलेबल, तो दिल्ली में सर्कल में फिलहाल पोस्ट नहीं है। अब इसमें आपको, अगर आप ये करते डिसाइड करते कि आपको एप्लीकेशन करनी है, तो फिर यहाँ पे कैसे है, पहले नोटिफिकेशन देख लें, रजिस्टर कर लें, रजिस्टर करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लें, फी पेमेंट जिनके लिए फी पेमेंट है वो फी कर लें, और अगर कहीं पे कुछ इश्यू हो गया है तो ग्रीवेंसेस में जाके आप चेक कर लें। एफएक्यू रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में चल रहे होते हैं तो एफएक्यू में जाके पढ़ लें। एफएक्यू पढ़ेंगे तो बहुत सारे आपका क्वेश्चन जो है, डाउट जो दिमाग में है वो आंसर मिल जाता है। आई विश टू अप्लाई फॉर ग्रामीण डाक सेवक, आई एम अनेबल टू फाइंड द लिंक, तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे अप्लाई करना है। आई हैव रजिस्टर्ड फॉर पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, सेवक वेयर डू आई फाइंड द स्टेटस ऑफ माई एप्लीकेशन। आपको अब स्टेटस नहीं समझ में आ रहा तो ये पढ़ लें क्या लिखा है। इस तरीके से एफएक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी किए होते हैं। मैंने ज्यादा फीस पे कर दी तो अभी क्या करूं, कैन आई गेट द रिफंड, आई एम मेड ऑनलाइन पेमेंट बट आई एम नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर जीडीएस पोस्ट, हाउ कैन आई गेट माई फी रिफंड। आपने गलती से कर दिया, आप एलिजिबल नहीं है तो आप रिफंड मिल सकता है क्या, ये सारा क्वेश्चन का आंसर जो है इसमें पहले पढ़ लें, उसके बाद एप्लीकेशन करें, आराम से करें क्योंकि अभी टाइम है काफी। तो ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक मिलेगी। और कई सारे फेक वेबसाइट्स भी होते हैं तो फेक वेबसाइट से बचें, क्योंकि जैसे ही कहीं से कोई एडवर्टीजमेंट आती है साथ में फेक वेबसाइट्स भी बहुत सारे बन जाते हैं, तो हमेशा अलर्ट रहें, फेक वेबसाइट से बचे रहें। इसके लिए कई सारे अलग अलग ऑथेंटिक वेबसाइट से लिंक लिया करें, मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी।